हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप सीसी 2016 के इस ब्रांड न्यू ट्रेनिंग सीरीज़ के अंदर, जिसमें हम सीख रहे हैं कैसे हम फोटोशॉप को यूज़ कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फोटोशॉप में कोई भी फाइल ओपन कैसे कर सकते हैं, इसमें इमेजेस को कैसे ला सकते हैं ताकि हम उन पर एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकें। तो बने रहिए मेरे साथ ताकि मैं आपको सिखा सकूँ। हेलो एंड वेलकम टू medialearns.com। और दोस्तों, स्वागत है आपका फोटोशॉप ट्रेनिंग सीरीज़ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हम फोटोशॉप में खैर इमेजेस को एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि दोस्तों, जब हम फोटोशॉप में कोई भी इमेज एडिट करेंगे या फिर कोई भी काम करेंगे, तो उसका जो फाइनल आउटपुट आना है वो एक इमेज के रूप में आना है, ठीक है। और आपको पता होगा कि कोई भी इमेज होती है उसकी एक विड्थ होती है, एक हाइट होती है, यानी हमारी इमेजेस जो है एक रेक्टेंगल होती है और उसकी एक विड्थ एंड हाइट होगी, बिल्कुल। तो आप जो फोटोशॉप में एडिट करेंगे, तो आपको पहले फोटोशॉप में जो एडिट कर रहे हैं आपको बताना होता है कि आखिर उसकी साइज़ क्या है, यानी आप उसकी क्या विड्थ एंड हाइट है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे मेरे पास जैसे यहाँ पे कुछ इमेजेस है स्टॉक, तो मैं जाऊँ अगर इनकी जैसे प्रॉपर्टीज़ में और मैं क्लिक करूँ यहाँ पे डिटेल्स पे, तो आप देख सकते हैं इसकी जो डायमेंशन है वो है 1280x900 पिक्सल्स, यानी इसकी जो विड्थ है वो है 1280 पिक्सल्स और जो इसकी हाइट है वो है 900 पिक्सल्स। तो आपको पहले ये डिसाइड करना होता है कि आपकी जो फाइनल इमेज आनी है उसकी डायमेंशन आखिर क्या होगी। जैसे मान लीजिए आप किसी मैगज़ीन के लिए कवर तैयार कर रहे हैं, तो आपको पता होता है कि उसकी जो डायमेंशन आखिर वो क्या है। तो आपको पता है कि फ़ोटोशॉप का फाइनल रिज़ल्ट एक इमेज के रूप में आना है, तो आपको पहले डिसाइड करना होता है कि उसकी जो फाइनल डायमेंशन आएगी या फाइनल जो आउटपुट होगा उसकी डायमेंशन आखिर क्या होगी। तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो हम डायरेक्टली इसके अंदर इमेज लेके आ सकते हैं इसी को और इसी की जो डायमेंशन है उसी पे काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम फोटोशॉप पे एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ पे हम वो जो डायमेंशन है वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको खैर बताऊँगा कि आप कैसे जो इमेजेस अपने कंप्यूटर से उनको सीधे उनकी डायमेंशन पर ही एडिट करना स्टार्ट कर सकते हैं। खैर, ये एक छोटी सी बात है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो मैंने इसीलिए आपको बताया था। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे आकर इसमें हम इमेजेस को लेके आ सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप क्या कर सकते हैं इसमें, सबसे पहले कोई इमेज ओपन कर सकते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, हम जाएंगे फाइल एंड देन क्लिक करेंगे ओपन के ऊपर। यहाँ से हमारे पास में सेम डायलॉग बॉक्स आएगा जिसे हम कहते हैं ओपन डायलॉग बॉक्स। आप इसे इस तरह से बड़ा कर सकते हैं और आप चाहें तो इसमें कोई भी इमेज को इम्पोर्ट कर सकते हैं, और आप चाहें तो जैसे एक से ज़्यादा इमेज भी इंपोर्ट कर सकते हैं। वो कैसे, आप कंट्रोल की दबाए रखेंगे तो आप एक से ज़्यादा इमेज को क्लिक कर पाएंगे और उनको ओपन कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप चाहें तो एक इमेज पे क्लिक करेंगे और अगर आप शिफ्ट की दबाए के क्लिक करें तो आप उसकी पूरी सीरीज़ को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे अभी के लिए मैं यहाँ पर दो इमेज को क्लिक करता हूँ कंट्रोल और ओपन पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं ये जो दो इमेज है आपकी अलग अलग डॉक्यूमेंट्स में आपको शो होंगी। तो अगर आप यहाँ पे ऊपर देखिए तो एक तरह से जैसे ब्राउज़र की टैब होती है, उसी तरह से यहाँ पे फोटोशॉप में दो टैब होती हैं। तो हम यहाँ पे इस पर अलग काम करेंगे, यहाँ पे इस पर अलग काम करेंगे, इसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा, इसका रिज़ल्ट कुछ और आएगा। तो एक तरह से हमने दो डॉक्यूमेंट्स जो है वो ओपन किए हैं। और हम फोटोशॉप में सिर्फ JPG, PNG के अलावा जो PSD फाइल है जिसके बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे, ये फोटोशॉप पर काम करते हुए उसे ही हम सेव करेंगे, बट खैर इस पर अभी बात नहीं करते। और इसमें जैसे फाइल कैसे ओपन करते हैं, फाइल और जाके ओपन पे क्लिक कर सकते हैं। उसके अलावा एक दूसरा तरीका है कि आप इस ब्लैंक एरिया में डबल क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम वो फाइल ओपन का डायलॉग बॉक्स है जो निकल के आता है। तो आप इस तरह से भी फाइल को इसमें ओपन कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं जो फोटोशॉप है आखिर कितने फॉर्मेट को सपोर्ट करता है वो यहाँ पे देख सकते हैं। ये आपका WBM, WPG, इसके अलावा वीडियो फॉर्मेट भी आप इसमें लेके आ सकते हैं, उन पर भी एडिटिंग कर सकते हैं। खैर, फोटोशॉप वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन फिर भी आप इसमें इन्हें लेके आ सकते हैं। इसमें आप SVG ग्राफिक्स लेके आ सकते हैं, यहाँ पर आप इसमें जैसे इवन जे ये PDF को भी सपोर्ट करता है, JPG फाइल होगी, TIFF, तो काफ़ी सारे फॉर्मेट्स आप देख सकते हैं उनको जो फोटोशॉप है सपोर्ट करता है। और इसके अलावा हम इसमें तीसरा तरीका क्या है किसी फाइल को लेके आने का, तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जैसे जाएंगे आप किसी भी इमेज पे सिंपली उसे क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे यहाँ पे, तो आप इस तरह से भी उसे फोटोशॉप में लेके आ सकते हैं। यहाँ पर ला के छोड़ेंगे तो आप इस तरह से उस पर एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। और खैर, ये मेरा पसंदीदा तरीका है, मैं सिंपली इसी तरह क्लिक करता हूँ
अब मुझे कोई भी इमेज ड्रैग करनी है तो मैं इस तरह से इसमें ड्रैग करता हूँ और वो आ जाती है। और जनरली जब मैं आप मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो आप चाहे ओपन रीसेंट पे, तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट आपको दिखाई देती है जिन पे आपने फ्यूचर में काम, जैसे आपने पास्ट में जिन पे काम किया था। जैसे मैंने अभी अभी वो बी वाली इमेज खोली थी तो वो आपको यहाँ पे शो होगी। तो मान लीजिए आप कुछ ही देर पहले उस पे काम कर रहे थे, आप उसको ओपन करना चाहे तो आप इस तरह से क्लिक करके आप इसमें इसे ओपन कर सकते हैं और आप उस पे काम करना दोबारा से स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आती है कि मान लीजिए आप इस इमेज पे काम कर रहे हैं, यहाँ पे आप एक और इमेज प्लेस करना चाहते हैं। आप सोचे कि मैं जाऊँ फाइल एंड ओपन पे क्लिक करूँ और मैं चाहूँ कि ये वाली इमेज इसमें आए, तो वो इसमें नहीं आती, वो एक नई टैब में चली जाती है। और आप चाहते हैं कि आप इसी में दूसरी इमेज लेके आए, तो वो आप आखिर कैसे करते हैं? तो इसके दो तरीके हैं। आप जाएंगे फाइल प्लेस एम्बेडेड, इस पर क्लिक करेंगे और आप किसी भी इमेज पे क्लिक करेंगे प्लेस पे, तो आपके सामने ये विंडो आती है नई वाली, जिसमें आप इसमें से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं और आप इसे इस चेक बटन पे क्लिक करेंगे या फिर अपने कीबोर्ड पे जो न्यूमेरिक कीपैड होता है, यानी जहाँ पे 1, 2, 3 या नंबर लिखे हुए होते हैं, वहाँ वाली जो एंटर की होती है जो कि कुछ लंबी होती है, उस पर क्लिक करेंगे तो उससे ये इसे प्लेस कर देगा। और ये एक स्मार्ट ऑब्जेक्ट के रूप में प्लेस होता है। स्मार्ट ऑब्जेक्ट वगैरह क्या होते हैं इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये इमेज आपकी यहाँ पर आ चुकी है और अभी इस तरह से, और अब इस पर एडिटिंग करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है, वही सिंपल, हम जाएंगे कोई भी आपको जो इमेज प्लेस कर रही है आप उसे इस तरह से क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करेंगे इसमें, और आप जो देख रहे हैं यहाँ पे एक वाइट कलर का एरिया आ रहा है, इसका मतलब हम इस डॉक्यूमेंट में इस इमेज को प्लेस करेंगे और आपके सामने सेम वही सेटिंग्स वगैरह आ जाती है और आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका इस तरह से इसमें प्लेस हो जाएंगी। और जैसे मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं इसमें नई विंडो में या फिर नई टैब में इमेज को लेके आना चाहता हूँ, जैसा कि मैं फाइल और सॉरी मैं क्लिक करूँ फाइल एंड देन ओपन पे क्लिक करूँ, यहाँ से जो नई टैब में मेरी आ रही है इस तरह से मेरी यहाँ पे आए, तो वो कैसे आए? क्योंकि जब मैं ड्रैग करूँगा तो वो तो खैर इसमें आ जाती है, तो मैं नई विंडो में लेके आना चाहता हूँ तो वो आखिर कैसे करूँ? जैसे कि अगर मैं अभी सिंपली इसे छोड़ता हूँ तो आपकी इसी इमेज में आ जाती है, और जैसे अगर इसमें अबॉर्ड पे क्लिक करता हूँ तो ये हट जाएगा, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि नई जो डॉक्यूमेंट में ही ओपन हो तो वो आखिर कैसे होगा? तो देखिए दोस्तों, जब आप इसे यहाँ पे लेके आते हैं तो यहाँ पे एक वाइट कलर की लाइन जो है आपकी आती है। अब उस वाइट कलर की लाइन के अगर बीच में अगर आप छोड़ेंगे इस माउस को, यानी क्लिक जो आपने कर रखा है, तो इस इमेज में ये आपका प्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर आप इस वाइट एरिया के बाहर प्लेस करते हैं तो वो आपका एक नया डॉक्यूमेंट में ओपन होगा। तो ये एक डिफरेंस है। तो आप ऊपर जैसे प्लस कॉपी देख रहे हैं, यहाँ पे मैं छोड़ूंगा तो आपका ये नया डॉक्यूमेंट आपका क्रिएट हो जाता है। तो अगर आप चाहें विंडो एक्सप्लोरर में इस तरह से ड्रैग करना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर है। इसके अलावा मैं इसे क्लोज़ करना चाहूँ तो मैं इस एक्स आइकन जो ऊपर देख सकते हैं इस पर मैं क्लिक कर सकता हूँ, और यह भी पूछेगा कि इसमें मुझे कुछ चेंजेस सेव करने या नहीं करने, तो मैं इसे नो पे क्लिक करूँगा। इसके अलावा आपको अगर कोई डॉक्यूमेंट क्लोज़ करना है तो आप उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कंट्रोल W जो है वो भी प्रेस कर सकते हैं। तो अगर मैं समराइज़ करूँ, आज मैंने जो आपको इस वीडियो में बताया कि फ़ोटोशॉप का जो फाइनल रिज़ल्ट है वो एक इमेज के रूप में आता है, तो आपको पहले डिसाइड करना होता है कि फ़ोटोशॉप में आप उसकी डायमेंशन आखिर क्या देंगे। तो आप सिंपली इमेज को एडिट करना चाहते हैं, यानी उसके जो डायमेंशन है उसके ओरिजिनल के बराबर ही रहे, तो आप सिंपली उस इमेज को हमारे फ़ोटोशॉप डॉक्यूमेंट में इस तरह से ला सकते हैं कि आपको सिंपली उस पर क्लिक करके उसे ड्रैग करना होता है और वो आपका एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाता है और आप इस पर एडिटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी डायमेंशन, हाइट, विड्थ वगैरह इसकी ओरिजिनल फ़ोटो के अकॉर्डिंगली ही होगी। इसके अलावा इसमें ओपन करने का दूसरा तरीका है कि आप जा सकते हैं फाइल एंड देन ओपन पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर इस ग्रे एरिया में डबल क्लिक करके भी आप ओपन डायलॉग बॉक्स को ओपन कर सकते हैं। एक इमेज को आप ओपन कर ले और उसमें आप चाहें दूसरी इमेज को पेस्ट करना, तो आप उसके लिए इस पे क्लिक कर सकते हैं और इसे इस तरह से आप ड्रैग करेंगे तो भी वो इमेज आपकी आ जाती है। और इसके अलावा आप जाएंगे फाइल प्लेस्ड एम्बेडेड पे क्लिक करेंगे तो उससे आप भी नई इमेज को इसमें प्लेस कर सकते हैं। ये जो प्लेस लिंक्ड है, खैर दूसरा चीज़ है, ये सेम इसकी तरह नहीं होता। प्लेस एम्बेडेड में क्या होता है कि जैसे आप देख सकते हैं कोई भी इमेज सेलेक्ट करते हैं और वो आपकी यहाँ पर आ जाती है, तो ये होता है। खैर प्लेस लिंक एक अलग चीज़ है और मैं आपको अभी वो चीज़ नहीं बताना चाहता। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, और खैर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं, बस आपको एक फ़ाइल को सिंपली, मतलब अभी अगर आपको इसमें एडिटिंग सीखनी है तो आप सिंपली कोई भी इमेज लीजिए जिस पर आपको एडिटिंग करनी है, उसे लीजिए, इस तरह से ड्रैग कीजिए और बस आप एडिटिंग करने के लिए तैयार हो। तो
और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जैसे हम एक से ज़्यादा इमेज सेलेक्ट कर रहे थे, खैर हम यहाँ विंडो एक्सप्लोरर में भी एक से ज़्यादा इमेज सेलेक्ट करके उन्हें भी इस तरह से इसमें लेके आ सकते हैं और उन पर एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो एक बार आप ये कर ले उसके बाद हम आगे एडिटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो आप उन डॉक्यूमेंट में इस तरह से स्विच कर सकते हैं, जैसे ऊपर टैब देख सकते हैं, एक से ज़्यादा टैब होती है तो आप इस डबल एरो पे क्लिक करके देख सकते हैं हमें कौन सी इमेज पे जाना था। तो मैं आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होंगी। इसी तरह के और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एडवांस ट्यूटोरियल्स के लिए और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरी वेबसाइट यानी medialens.com पर भी जा सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई एम देवेंद्र सिंह एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।